प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता संभालने के 9 साल पूरे होने पर भाजपा की मोदी सरकार की अब तक की उपलब्धियां गिनाने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के नगर विकास ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी मौजूद रहे। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और नगर विकास मंत्री का जिले के सांसद, विधायकों, भाजपा के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भारत के इतिहास में मोदी सरकार के इस 9 साल को भारत का स्वर्णिम युग कहा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से पहली बार इन 9 सालों में भारत की सत्ता संविधान के अनुसार चली है। भारत में रहने वाले हर भारतीय को संविधान के अनुसार उसका हक दिया गया है। उन्होंने कहा कि 9 साल में पूरे विश्व में भारत और भारतीयों का सम्मान बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता बनकर उभरे हैं, जिनका ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति भी परेशान हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी, आजाद भारत के बाद उनकी जितनी भी गतिविधियां देखें तो सांप्रदायिकता की बात करके, अभी आपने देखा विदेश में उन्होंने मुस्लिम लीग, जिस मुस्लिम लीग इस आजादी के बाद भारत माता से जिनके खून रंगे थे, उन मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने केरला में सरकार बनाई थी और आज उस मुस्लिम लीग को गहरा सबसे अच्छी पार्टी। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी आजाद भारत में कोई सांप्रदायिक पार्टी है तो है कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में 400 पार की तैयारी और देश की जनता 400 पार भारतीय जनता पार्टी और NDA को दे, क्योंकि आज देश के समक्ष एक तरफ हमारा वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी, दूसरा तरफ पश्चिम के बीच चुनाव होने का। आप देख रहे हैं आज विपक्ष में, आज एक तरफ गठबंधन हो रहा तो दूसरा तरफ बिखराव भी, कोई एक मंच बना रहा। ये जो विपक्षी दल के नेता है ये सब राजनीतिक मंच का कॉमेडियन है, जैसे कॉमेडियन हंसाने का काम करते हैं ना, उसी तरह एक कॉमेडियन नेता लोग घूम घूम के कोई एक मंच बना रहा है, दूसरा मंच बना रहा है, मोदी हटाओ, BJP हटाओ। तो देश की जनता एक कॉमेडियन नेताओं से परेशान है, देश में एक ही नेता है। जो बालासार की रेल दुर्घटना बहुत ही दुखद घटना है और इस दुखद घटना की जो संवेदना आप देखिए, स्वयं हमारे देश के जननायक जनप्रिय प्रधानमंत्री जी स्वयं बालासार पहुंचे। पूर्व से ही हमारे 24 घंटा हमारे जो केंद्रीय रेल मंत्री अशोक वैष्णव जी, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी 24/7 एक पैर पर वहां खड़े हैं। ऐसी आपदा की घड़ी में राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज देश को जरूरत है, जो हमारा विभिन्न राज्यों का इस बालासोर के ट्रेन दुर्घटना में जो आहत परिवार है उसको संवेदना प्रकट करना कि ना उसके नाम पर राजनीति करना, ये राजनीति का समय नहीं है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।